मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप जिला अधिकारी से परमिशन लेने के बाद आप अपने गांव वापस जा सकते हैं। कोरोना वायरस के संकट में पूरा देश जहां लॉकडाउन है और देश के कई हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात हम करें तो महाराष्ट्र में भी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ऐसे कई राज्यों के लोग फंसे हुए हैं और ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिवार के साथ अपने गांव पैदल ही चले गए हैं, मगर अभी भी देश के कई हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं। बस सेवा बंद है, रेल सेवा बंद है, क्योंकि लॉकडाउन है और लोगों के घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग अपने घर गांव वापस जाना चाहते हैं। ऐसे ही देश में लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि आप अपने घर जा सकते हैं, मगर आपके पास जिला अधिकारी का परमिशन होना चाहिए। इसके लिए आपको जिला अधिकारी कार्यालय से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म पर आपको अपना नाम, पता, डिटेल देना होगा। माता पिता का नाम, अपना नाम, किस राज्य से आपको किस राज्य में जाना है, आप अकेले जाएंगे या फिर आपके साथ पूरा परिवार है, जिस वाहन से आप यात्रा करेंगे वो वाहन क्या आपकी खुद की है या फिर किराए की है, इस तरह की सारी जानकारियां आपको उस फॉर्म पर लिखकर देना होगा, जिसके बाद जिला अधिकारी के तरफ से आपको अगर अनुमति मिलती है तो आप अपने गांव जा सकते हैं। सुनिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या जानकारी दी है। लॉकडाउन की वजह से आप महाराष्ट्र के बाहर हो या महाराष्ट्र में हो, जहां भी आप अटके पड़े हो, उसमें हो पर प्रांतीय कामगार यानी माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स, यात्रीगण या अन्य नागरिक, इनको जिनको भी अपने इच्छित जगह जाना है, वो लोग कलेक्टर की परवानगी लेके अपने अपने गांव में जा सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर को नोडल ऑफिसर को जिले का बनाया गया है। कलेक्टर के पास जो फॉर्म हो इश्यू करेंगे उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कौन से राज्य में आप अटके पड़े हैं वहाँ का नाम, वहाँ के जिले का नाम, वहाँ के तालुका का नाम, वहाँ के गांव का नाम, या महाराष्ट्र में किस तालुका में या किस जिले में आप अटके पड़े हैं वहाँ का नाम। उसी प्रकार आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, आपका खुद का व्हीकल है या आपका खुद का व्हीकल नहीं है, पूरी डिटेल जो कलेक्टर फॉर्म देगा उसमें आपको भर के देना है और कलेक्टर की परमिशन मिलने के बाद ही आपको अपने राज्य में या महाराष्ट्र में अपने गांव में जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।